जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हर साल उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। उसके लिए जो डेट है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है, कहाँ पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो ये सब सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, हम बात करते हैं, यदि आपको उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो पॉलिटेक्निक के लिए हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और उसकी जो डेट है एक बार फिर से तीसरी बार इस डेट को बढ़ाया गया है। अब आप 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब इसमें आपका जो निजी संस्थान की हम बात करें, जो सहायता प्राप्त है राजकीय और निजी संस्थान है, सबको मिलाकर लगभग 2.5 लाख सीट हैं। 2.5 लाख सीट के लिए जो इस बार आवेदन है वो अब तक 3,04,789, यानी कि अब तक इतने आवेदन आ चुके हैं, यानी कि 2.5 लाख लगभग 2.25, यानी कि 2,25,000 सीट है, उसमें से आपके पास अब तक जो आवेदन आ चुके हैं वो 3,04,789 आवेदन आ चुके हैं, और अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये जो संख्या है लगभग 4 लाख के आसपास तक पहुंच सकती है। तो यानी कि इस बार जो है सीट से ज्यादा है, तो आपको मेहनत करनी होगी। यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छा रैंक उसमें कर लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको नहीं मिलता है, निजी संस्थान की तरफ आप जाते हैं, फिर भी आपको कई सारे बेनिफिट होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, एक तो यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उसमें जो चांसेस हैं बहुत कम, यानी कि अब तो ये कर दिया है कि वो बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जो आपका काउंसलिंग के थ्रू आएंगे, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आएंगे वही बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला आपका नुकसान ये होगा यदि आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। दूसरा आपका ये है कि यदि आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड, यदि गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता है तो जो अच्छे आपका निजी संस्थान है उसमें आपके वो सबसे पहले प्राइवेट देते हैं किसको, जो बच्चे एंट्रेंस दिए हुए होते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर फिल करें यदि आप भी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। और यदि आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक हर साल सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन है जो कि हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो यदि आप भी अपनी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो बच्चे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं। किसी भी तरीके का उसका कोई शुल्क नहीं है, और यह जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये गवर्नमेंट से अलग दी जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होगी वो अलग होगी और ये जो सक्षम स्कॉलरशिप है ये आपको अलग मिलेगी। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।